Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anam Naz and I have done MPhil in Computer Science. आज हम ICS Part 1 की बुक Computer Science स्टार्ट करने जा रहे हैं और Chapter 1 जो हमारे पास है उसका नाम है Basics of Information Technology. So, Information Technology हम ये कह सकते हैं कि now this world is converted into global village और दुनिया जो है वो एक global village में convert हो चुकी है and this statement is passed just on the behalf के computer science न सिर्फ हमारी life का एक बहुत important बल्कि major हिस्सा बन चुका है. we are using computer everywhere. वो कोई भी department है या कोई भी field है, we are having usage of computer there. तो जो ICS की पार्ट 1 की बुक है इसमें बेसिकली कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अबाउट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो आज हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम डेली बेस में, डेली लाइफ में, हम डेली रूटीन में इसको हम यूज़ कर रहे हैं. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. वर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें तो वी बेसिकली हैव टू वर्ड्स हियर और दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है हमारे पास. वन इज इंफॉर्मेशन एंड अदर इज टेक्नोलॉजी. सो इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है. इंफॉर्मेशन जब भी हम किसी डेटा को पहले मैं बताना चाहूँगी कि डेटा क्या चीज़ है. कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, उन रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं. तो डेटा की डेफिनेशन पहले मैं लिख देती हूँ कि डेटा क्या चीज़ है. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं और जब हम इसी डेटा पे कोई प्रोसेसिंग अप्लाई कर देते हैं, कोई फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, उस प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं. तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी. प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है. और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जब आ जाती है तो वी कैन से दैट नाउ वी कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन इट. ठीक है जी. अब ये कि डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है और जो कंप्यूटिंग है उसको हम किस तरह से इस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हैं. तो डेटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग इज बेसिकली इट्स अ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ डेटा into useful information. ठीक है जी. तो हमारे पास जब भी हम अपने डेटा को किसी प्रोसेस के थ्रू या किसी फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर लेंगे तो उस प्रोसेस या इन्फॉर्मेशन को हम यूजफुल इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए होल अगर मैं अब कवर करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मेडिसिन में बल्कि हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड्स जो हम अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूजेज नज़र आता है. और हर फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का एक अलग से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि लाइफ को मैनेज कर रहा है. दुनिया क्योंकि डे बाय डे टोटली कन्वर्ट होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है डिजिटाइज्ड वर्ल्ड पे, इस वजह से कंप्यूटर का यूजेज हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन का जरिया है विद
एप्लीकेशंस विद मशीनरी विद डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को पहले की निस्बत ज़्यादा आसान बना रहे हैं और स्पीडली अपने टास्क को इवेलुएट कर रहे हैं. सो अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है उसे हम किस तरह से या किन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज कर रहे हैं. तो जो मेजर चैनल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं वो हैं जिस तरह हमारे पास डिजिटल फोटोग्राफ्स, मूवीज, ऑडियो, ग्राफिकल शेप्स, ये वो तमाम की तमाम फॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिनको हम यूज़ करते हैं और ये डेली बेसिस में हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं. तो अगर मैं इस कंप्यूटर के ओवरव्यू को कंक्लूड करूं तो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुआ था बहुत बड़ी बड़ी लार्जर मशीन से. और कंप्यूटर का जो बेसिक वर्ड है अगर हम इसको गौर से देखें तो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूट के वर्ड से निकला है. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस. तो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया वो बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए एक कैलकुलेटर की फॉर्म में डिजाइन किया गया. देन हमारे पास उस टाइम में या जो वो हिस्ट्री का टाइम है उसमें कंप्यूटर जो इस्तेमाल होता था वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी, वैक्यूम ट्यूब्स की फॉर्म में गिवन थी. देन जो है उसको मोस्टली उस जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का नाम दिया गया. और देन सेकेंड जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काफ़ी वर्किंग की गई क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स आर नॉट रिलायबल. उनके उनकी वजह से काफी ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती थी एंड दे आर ऑल्सो वेरी लार्ज इन साइज तो उनको डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल था. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स आर मच रिलायबल एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स एज वेल एज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर लेस हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. सो ट्रांजिस्टर जब जो इरा है उसको हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं. और ट्रांजिस्टर्स आर नॉट मच रिलायबल. उनके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी जैसे स्टिल हीट प्रोड्यूस हो रही थी. तो उनको थर्ड जनरेशन में उसी ट्रांजिस्टर्स को आईसी सर्किट से रिप्लेस कर दिया गया. देन आईसी सर्किट्स बेसिकली उससे भी ज़्यादा स्मॉलर साइज में थी और उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होना ख़त्म हो गई. दे आर मच एफिशिएंट एंड दैट जनरेशन इज बेसिकली रिपोर्टेड एज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन के बाद हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन है उसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स की टेक्नोलॉजी ने आईसी सर्किट्स को भी रिप्लेस कर दिया. नाउ वी हैव वेरी एफिशिएंट स्पीड ऑफ कंप्यूटर. हम बड़ा जो है वो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल इवेल्युएशन को परफॉर्म करने लगे. इसी तरह से जो मोस्ट लेटेस्ट जनरेशन है उसको हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं. और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि बेसिकली हम अपने कंप्यूटर्स की मदद से अब अपनी लाइफ को इस हद तक आसान बना सकते हैं कि लाइक ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास इंटेलिजेंट मशीन्स आ सकती हैं जिनकी मदद से हम बिल्कुल ह्यूमंस की तरह से वर्क कर सकते हैं. उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रोबोट्स है. नंबर ऑफ रोबोट्स आर यूज नाउ आवर डेज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. लाइक बहुत सारी हमारी जो नेशंस हैं जैसे चाइना है दे आर वर्किंग थॉरली एंड दे आर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ रोबोट्स नाउअडेज जिनको वो अपने काम में अपने डेली बेस जो टास्क हैं उसके अंदर उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर यूजेज. और अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग जारी है और कंप्यूटर जो है उसको डे बाय डे इन्हेंसमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है. इसी वजह से इस वर्ल्ड को या इस टाइम दुनिया को एक ग्लोबल विलेज का नाम दिया जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी
जगह बैठकर किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं बल्कि वीडियो, आप फोटोग्राफ्स, आप डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, आप बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ किसी भी वक्त किसी भी रीजन में बैठ के शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ बेसिक आइडिया अबाउट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट हुआ और टिल देन नाउ कंप्यूटर की कौन कौन सी फॉर्म्स हमने यूज़ करनी है। फर्दर हम इस बुक में सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी हमारी बेसिकली फॉर्मेशंस हैं, क्या डिवाइसेस यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, किस तरह से उनको हमने हायरार्की में डिवाइड किया हुआ है, किस तरह से कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर के दरमियान, किस तरह से यूज़र जो है वो कैपेबल है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, किस तरह से यूजर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को। देन हम पढ़ेंगे अबाउट के जो है वो डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, एप्लीकेशन और यूजेस क्या हैं कंप्यूटर के। उसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कवर करेंगे कि जो मेन कंप्यूटर है उसके अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी फॉर्मेशन से हमारे पास कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिक्योरिटी क्या है, यानी आज अगर हम देखते हैं कि कंप्यूटर जिस हद तक हमारे पास इस्तेमाल में आ चुका है तो इसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वी विल डिस्कस कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर बना सकते हैं और हमें किन चीज़ों के थ्रू जो है वो अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट दिस चैनल या यू कैन से विदाउट दिस इंटरफेस यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली के नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर दैट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड नाउअडेज, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके अंदर कौन से फीचर्स हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सो हम उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, हम स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं जिनको हम आजकल फॉलो कर रहे हैं। लाइक हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं कि दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम देखेंगे इन डिटेल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कैलकुलेशंस की बात की थी मैंने कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कंप्यूट के वर्ड से डिस्कवर हुआ है और कंप्यूट का जो बाय वर्ड मीनिंग है वो है कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दो टूल्स जो हैं वो आपकी ICS पार्ट 1 की बुक में गिवन है, वी विल डिस्कस इन डिटेल कि हम उन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से उनके अंदर वर्क करते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म होंगी। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।